नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस साइड पेपर लेकर आया हूं। इस साइड पेपर में 30 क्वेश्चन और एक सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए। चैलेंजिंग नंबर है 27, 30 में से 27 लाना है, एग्जाम पार है। 27 से कम लाएंगे तो फिर बाद में उद्धार है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डे जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है रोज़ सुबह 6:30 बजे से। आप पर डे हमारे साथ में लाइव जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं 1.5 घंटे के लिए। इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन साइड पेपर बनाए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने 265 साइड पेपर बना दिए हैं। दोस्तों वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी दोस्तों तक क्लास के बारे में जानकारी पहुँचे और वीडियोस पहुँचे, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा आंसर देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको पूछा गया इतिहास स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई उसका सभापति कौन था? बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस पर डे साइड पेपर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन ध्यान से कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी अपडेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा है और चीन का पहला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 के एक्ट के तहत उसके लिए पावर मिला कि वो अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ये अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर। भारत में वर्षा का एवरेज कितना है? कम ज्यादा को अगर मिलाया जाए तो एवरेज कितना होगा? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में वर्षा का एवरेज 118 से 120 सेंटीमीटर के आसपास है, तो नजदीक का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो स्टोरेज माध्यम कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड में आप कुछ चीज स्टोर नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, ये सभी स्टोरेज माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यह स्क्रीन पर।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया, कब से स्वीकार किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को 1853 से स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर 1853 सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो पुणे जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए यहां तक वर्षा नहीं हो पाती है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब बड़े बड़े पर्वतों को पार करके बादल उस पार नहीं जा पाते हैं, वो कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश पर पड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डन पांडा अवार्ड, ऑप्शन नंबर गोल्डन पांडा अवार्ड विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट नामक लेख कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में यह प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए क्या उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी अर्थात नर्म दल की नीतियों का प्रचारक था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर नाम का अखबार, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है यहां पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, अधिक ताप होता तो पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ता और ज्यादा उड़ता तो ज्यादा वर्षा होती, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस प्लीज वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप सभी से निवेदन है लिंक को शेयर करने के साथ में एक लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि आपका स्कोर क्या रहा और वीडियो कैसा लगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने किया, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार ए कुना अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंग भद्रा नदी जो है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना तुंग भद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रमों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? राइट आंसर क्या है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो खरोष्ठी लिपि में है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ, सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान जो है 1954 से प्रारंभ हो गए, ऑप्शन नंबर 1954 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनी है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। मैंने आपसे 30 क्वेश्चन पूछ लिए, अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। साथ साथ दोस्तों वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी दोस्तों को क्लास के बारे में पता चल सके। जनरल अवेयरनेस की क्लास के लिए रोज 6:30 बजे लाइव क्लास शुरू करता हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे आप रोज लाइव क्लास पढ़ने आ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के पर डे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। इससे पहले जो भी मैंने सेट पेपर बनाए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अपना कमेंट जरूर शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर प्लस अपना स्कोर, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, अपना आंसर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।